हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन एंड गुड मॉर्निंग। सो मैं अभी सो के उठ चुका हूँ और अब मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होने जाऊँगा और नहाने जाऊँगा और बाकी अभी मेरी शक्ल ऐसी दिखेगी। सो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आज हम एक एक्टिंग ब्लॉग ही बोलिए या तो फिर बोलिए कि मिमिक्री ब्लॉग, क्योंकि आज हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको साउंड्स सुनाऊंगा, मतलब एक्ट करके दिखाऊंगा। और काफ़ी सारी साउंड्स जो होती हैं ना, लाइक एनिमल्स और काफ़ी सारे एक्ट्रेस की आवाज़ मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। सो बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं ये ब्लॉग और लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन है कैट। म्याऊ 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 म्याऊ। सेकंड वन इज डॉग। वाव 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 वाव। और फिर उसके बाद है उसका जो पपी होता है उसकी। सो थर्ड वन इज पिकॉक। मोर और अब है सबके फेवरेट कार्टून, मतलब जो बीच के भी जेनरेशन आई थी वो उसके फेवरेट कार्टून है ओगी एंड द कॉकरोचेस। सो उसका ओगी की आवाज़, भैया मुझे बचाओ, भैया भैया ये कॉकरोचेस मुझे मारे, भैया भैया मुझे बचाओ, ओगी के भाई की। सो दिस इज ओगी, मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे बेटे ओगी ये क्या कर रहा है तू, मैं तेरे को छोड़ूंगा ने, कहाँ जा रहा है ओगी। उन तीनों कॉकरोचेस की आवाज, क्या रे बाबा कैसे बोलता रे तू, बैड में जा मुझे नहीं पता। और दूसरा, ए मामू क्या बोल रहे तू, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, ये पैसा आप उनका है। और थर्ड जो वन है, क्या रे तुम लोग क्या कर रहे हो। और इसमें एक डॉगी भी है, सो वो शक्ति कपूर जी की आवाज़ करता है, तो वो ऐसा कुछ है, आओ ललिता ओगे तेरी ठाके टके होगा, आओ ललिता। सो देयर इज सुनील शेट्टी हेयर्स लाइक दिस। अंजल तुम मुझे भूल जाया, मैं होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूल जाया कभी हो नहीं सकता अंजल। एंड एक और है शायद उनका बॉर्डर का, यार धरते मेरे माँ है। अब आते हैं हमारे ऋतिक रोशन एज रोहित। आए ना जादू क्या कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा, तू जा बैठ में जादू, मैं नहीं आ रहा। और ऋतिक रोशन एज ऋतिक रोशन, और एक उनका जो मूवी थी डे एंड नाइट का रीमेक, जी हाँ वही जो आप सोच रहे हो। तो पहले मैं डायलॉग सुनाता हूँ। हार्लिन दिस वन्स फॉर यू। ऐसी क्या चली हवा ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर, ठीक है। और एक और था, आई आई अब बात करते हैं लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर की। तो नाना पाटेकर जी का फेमस डायलॉग वही वाला, <laughs>
आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहीं पे लटका देंगे मुझे अभी। जीभ ऐसे बाहर आई, आंखें ऐसे बाहर टक से निकलेंगी। फिर ये मेरा भाई एक उतारेगा मुझे नीचे, उसके बाद तुम लोग तो चली जाओगे, नहाओगे धोओगे खाना खाओगे, फिर क्या क्या होगा फिर, इसके आगे मुझे नहीं। सो अब आते हैं हमारे खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार पे। उनका जो भूल भुलैया का डायलॉग है वो मैं बोलने वाला हूँ। जब मैंने जोड़ा, मैंने घटाया, मैंने पाया कि फिर से गुणागान किया, फिर भागाकार किया, फिर भी वो ही रिजल्ट आया, और फिर मुझे लगता है कि वो सही था, फिर दोबारा करने में क्या जाता है, तो फिर मैंने दोबारा से किया। जब मैंने जोड़ा, मैंने घटाया, मैंने गुणाकार किया, गुणाकार करके भागाकार किया, फिर भी वही रिजल्ट आया, फिर भी मैंने सोचा। फिर वो लड़की जब बोलती है क्या 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 क्या, तो बेवकूफ लड़के। बात करते हैं हमारे एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह का डायलॉग है पद्मावत वाला, मैं उसको ले कर आऊँ। लाइक दिस, हमें आपका तोहफा बहुत शानदार लगा चाचा जान, हमें आपका तोहफा मंजूर है चाचा जान, आप ही ने तो कहा था कि जो करवा सकते हो करवा लो, हमें करवा लिया। ये थोड़ा मेरी तरफ से वो हो गया, थोड़ा मतलब इनोवेट हो गया, मैंने शायद चेंज कर दिया है। हाँ तो और बाकी जो एक और एक चीज़ और थी, हाँ ये था कुछ ऐसा, खिलजियों का परचम बुलंद रहे चाचा जान। और वो जो आपने एक गली बॉय देखी थी उसमें भी ऐसे कुछ गाते रणवीर सिंह ऐसे कुछ बोलते हैं ना, बरकत नहीं रात है, रात में चाहत है, चाहत नहीं बरकत है, ऐसे कुछ था ना। एंड नाउ माई ऑल्सो फेवरेट कार्तिक आर्यन, इनका तो वही फेमस डायलॉग है, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं है।